अब देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच। संख्याएं 9 से कब पूर्ण भाग होती है? जब संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण भाग होता हो। ओके, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं यहां पर, ये ऑप्शन ए में 783, ऑप्शन बी में 1216 और ऑप्शन सी में 126। तो हमने अकॉर्डिंग टू नियम क्या किया, वन बाय वन हमने इनके अंकों का योग किया। तो देखते हैं कि 783 में इसके अंकों का योग है 18 है, जो कि 9 से पूरा भाग होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि 783 भी अब 9 से पूरा भाग हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, ओके, तो देखा हमने कि ये 783 भी अब 9 से पूरा भाग हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में इसके अंकों का योग 10 है, जो कि 9 से पूरा भाग नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि 1216 9 से पूरा भाग नहीं होगा, जबकि ऑप्शन सी में 126 से अंकों का योग 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, 126 भी अब 9 से पूरा भाग होने वाला है। ओके, तो रूल के मुताबिक एकदम सही है रूल हमारा। तो नेक्स्ट जो है नंबर वो है 11। 11 से संख्याएं कब पूर्ण भाग होती है? जब संख्या के सम स्थानों यानी कि इवन प्लेसेस और विषम स्थानों की अंकों के योगों का अंतर शून्य हो या फिर 11 से पूर्ण भाग होता हो, तब संख्याएं 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इवन प्लेसेस और प्लेसेस बोलने का मतलब क्या है। इवन यानी कि सम स्थान, अगर हम काउंटिंग करते हैं यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर, तो देखते हैं कि 1 इसका नंबर आता है, 2 7 का नंबर आता है और 3 1 का नंबर आता है। ओके, तो एक क्या है, एक हमारी विषम संख्या है, इसलिए जो 6 है यहाँ पर 6 का स्थान किस पे आया है, विषम स्थान पर, जो कि ऑड है। उसी प्रकार से 7 का स्थान आया है 2 पर, इसीलिए 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इसीलिए 7 का स्थान आया है सम स्थान पर। जबकि 1 का जो स्थान है वो 3 पर है, इसलिए इसका स्थान हो गया ऑड प्लेसेस। ओके, तो रूल के मुताबिक क्या है कि संख्याएं 11 से पूर्ण भाग तब होती है जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, शून्य हो या फिर 11 से पूर्ण भाग होता हो, तब संख्याएं 11 से पूर्ण भाग हो जाती है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं 176। तो 176 में हमने देखा कि कौन सा अंक सम स्थान पे है और कौन सा अंक विषम स्थान पे है। तो सम स्थान पे जो अंक है वह है 7, इवन पे है ये, जबकि विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है, 1 है और 6 है। प्लस करते हैं तो 7 आया, तो इसको माइनस करते हैं हम, 7 माइनस 7 आंसर आया 0। तो रूल की अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो गया, 176 क्या होगा, ये 11 से भाग हो जाएगा। देखते हैं एक बार, देखा हमने कि ये 11 से पूर्ण भाग हो जाता है। ओके, उसी प्रकार से हम देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में देखें हम कि पहले हमने क्या करनी है, गिनती करनी है लेफ्ट से राइट की ओर, 1 2 3। तो 6 का जो स्थान है वो विषम स्थान है, 2 का स्थान सम है, 1 का स्थान विषम है। ओके, तो इसके अंकों का योग करते हैं। पहले हम देखते हैं कि विषम स्थान के अंकों का योग कितना है। विषम स्थान में क्या है, एक तो 6 है आपका और एक तो आपका 1 है, तो 7 हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से ये है हमारा ओड स्थान का जो सम है वह है। उसी प्रकार से इवन स्थान का सम कितना है, जबकि इवन स्थान में केवल 2 है, यहाँ पर 2 लिख दो यहाँ पर, 2 इवन। अब क्या बोल रहा है कि माइनस करना है, तो 7 माइनस 2 आंसर 5, जो कि रूल के मुताबिक शून्य होना चाहिए था और 11 से पूर्ण भाग होना चाहिए था।
तो यहाँ पर पाँच आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 126 अब 11 से पूरा नहीं कटने वाला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इससे समय की बचत होती है। सो गाइस स्टिक विद अस।